विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बुधवार को छत्तीसगढ़ के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दो सहयोगियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में अपना कार्यभार ग्रहण किया। यह पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैबिनेट के विस्तार को लेकर इंतजार कीजिए। आज शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें हमने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय अरुण साव जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय विजय शर्मा जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और हम लोगों का सौभाग्य था कि इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आए और बहुत सारे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, हमारे केंद्रीय मंत्री आए, हमारे संगठन के लोग भी आए और भारी संख्या में छत्तीसगढ़ की जनता भी आई और हमारे शीर्ष नेताओं को भी धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को भी धन्यवाद कि इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर इसको भव्य बनाए, सफल बनाए। और आज हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पर मंत्रालय में आकर विधिवत पूजा अर्चना करके यहाँ पर अपना काम शुरू किया है और भगवान से हम लोग ये प्रार्थना किए हैं तीनों मिलके कि एक बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है, एक बड़ा जनादेश मिला है तो उनके विश्वास के अनुरूप हम सब लोग काम करने में सफल हों। ये आज पूजा करके हम लोगों ने भगवान से कामना किया है और ये सारा विकास का काम यहीं से होना है। ये मंत्रालय है वो तो स्वाभाविक रूप से जाते ही हैं, जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं सभी स्वाभाविक रूप से जाते ही। हाँ हाँ, कैबिनेट में कल तय करेंगे, कल कैबिनेट का बैठक रखेंगे।